हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे टोटल 6 अपडेट आई हैं। कुछ अपडेट जो है सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से हैं, कुछ आधार के माध्यम से हैं, कुछ बिहार बोर्ड की तरफ से अपडेट आई हैं। चलिए एक एक करके बात कर ले। तो देखिए, पहली जो अपडेट है सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आई है कि यहाँ पे सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोर्स जो है कराई जा रही है, जिसके तहत आपको जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज जो है आपको प्रोवाइड की जाएंगी इस कोर्स के माध्यम से। तो देखिए, यहाँ पे जो है आपके द्वारा यहाँ पे सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आपको यहाँ पे ट्रेंड की जाएंगी बिटनेस एंड चेंज योर पर्सनालिटी जो है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है इसमें आपको बताया जाएगा बिजनेस इटिक्विटी के बारे में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आपको बताया जाएगा कैसे आपको कम्युनिकेशन करना है, रिलेशनशिप स्किल के बारे में जो है यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएंगी, पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में आपको नॉलेज दी जाएंगी, टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको नॉलेज दी जाएंगी, इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तैयारी करेंगे उसके बारे में यहाँ पे इस कोर्स में आपको बताई जाएंगी, रिज्यूम कैसे लिखते हैं और मेनी मोर यहाँ पे फ्यूचर्स आपको मिलेंगी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से। तो एक अच्छी कोर्स है जिसको आप जो है परचेज कर सकते हैं। कोर्स का फी मात्र आपको 69 रुपये हैं, जिसमें VLE को कमीशन जो मिलेगा 25 रुपये आपको कमीशन मिलेगा। तो बहुत सस्ती रेट में जो है ये कोर्स आपको सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से दी जा रही है, जिसमें आपको 25 रुपये कमीशन भी मिल रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस कोर्स को सेल करा के अच्छी खासी कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है डिजिटल सेवा पोर्टल में, उसके बाद सीएससी सेल्फ पेड कोर्स पे जाएंगे, चूज सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे और पेमेंट जो है अपने वॉलेट से कटवा के इस कोर्स को आप परचेज कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट की। तो दूसरी अपडेट जो है यहाँ पे आधार के माध्यम से दी गई है कि अगर आपको कोई भी क्यूरी क्वेश्चन है तो आप लोग डायरेक्टली जो है 1947 पे कॉल करके जो है आप किसी आधार से रिलेटेड सर्विसेज को आप यहां पे जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल टोल फ्री नंबर है और 24x7 आवर ये आपको सर्विसेज मिल रही हैं एवरीडे। तो बहुत बड़ी बात है जिसमें आप जान सकते हैं इनरोलमेंट का अपडेट का स्टेटस अपना जान सकते हैं, आधार का अपना आधार का PVC कार्ड अगर आप ऑर्डर करते हैं तो उसकी स्टेटस आप चेक कर पाएंगे यहाँ पे, कंप्लेन अगर कोई किए हैं तो उसकी स्टेटस आप 1947 पे कॉल करके पूछ सकते हैं, अपना अपने एरिया में जो है आपके आधार सेंटर कहाँ कहाँ है उसकी जानकारी ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन थ्रू SMS के थ्रू भी अपना कुछ इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं और मोर सर्विसेज आपको इंटीग्रेटेड और IVRS के तहत आपको मिलते हैं। अगर आपको आधार नंबर नहीं मिल रहे हैं, आधार नंबर आपको पता करना है तो वो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएंगी। तो बहुत बड़ी बात है कि आपको नाम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, उसके थ्रू जो है आपका अगर आधार बना है तो आपको आधार नंबर भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, सारे इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो एक अच्छी सर्विस जो है यहाँ पे UIDAI के माध्यम से जो है यहाँ पे टोल फ्री नंबर जारी की गई है जिसपे आप कॉल करके सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी अपडेट की बात करें तो यहाँ पे तीसरी अपडेट जो आई है वो डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ही आई है, सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से कि यहाँ पे अगर आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं, फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, बस टिकट बुक करते हैं, होटल बुकिंग करते हैं तो आपको अच्छा खासा जो है इंसेंटिव अब यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो है कमीशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर आप IRCTC के थ्रू जो है टिकट बुक करते हैं तो कमीशन अप टू 40 आपको इनर मिलेंगी, अगर आप जो है फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो कमीशन आपको 150 इनर आपको मिलेंगी, यहाँ पे अगर आप बस टिकट बुक करते हैं तो कमीशन अप टू 950 इनर आपको मिलेंगी और उसी तरह से अगर आप होटल बुक करते हैं तो 4000 इनर आपको कमीशन यहाँ पे होटल बुकिंग पे मिलेंगे। जो बहुत बड़ी बात है जो इतने जो है इंसेंटिव ग्रेट कमीशन आप कह सकते हैं यहाँ पे सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से दी जा रही है। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो देखिए नेक्स्ट अपडेट जो है यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के तहत से आई है, सिमुतल्ला आवासीय में अगर आप जो है क्लास 6 में 2023-24 में नामांकन जो है करवाए हैं और जिसका जो आंसर की है
जो डाउनलोड किया गया है उसमें आपको कोई त्रुटि पाई जाती है, और उसके लिए आप अगर आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है यहाँ पे डेट जारी कर दी गई है। तो देखिए आपत्ति दर्ज करने का जो डेट है 5 जनवरी से 8 जनवरी 2023 तक अपलोड रहेगा। आपको जो आंसर की जारी की गई है अपने स्टूडेंट का, अपने बच्चे का, उसे आप संतुष्ट नहीं है तो यहाँ पे आपत्ति आप दर्ज कर सकते हैं, 5 जनवरी से 8 जनवरी तक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आ जाना है, देखिए प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है। इसके लिए बिहार बोर्ड online.com पे आना है, ग्रीवियंस पोर्टल पे जाना है, सिमतल्ला मेंस एंट्रेंस एग्जाम 2023 पे क्लिक करना है और ऑब्जेक्शन पैनल पे क्लिक करके सारे इंफॉर्मेशन को फिल करके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ग्रीवियंस दे सकते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं है आंसर की जो जारी की गई है उनसे तो आपत्ति जो है आप दर्ज कर सकते हैं 5 जनवरी से 8 जनवरी के बिटवीन। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो देखिए नेक्स्ट अपडेट आई है, देखिए सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आपको मालूम होगा कि डीजीपी लाइट जो है वर्जन यहाँ पे चालू की गई है, जिसमें आपको यहाँ पे 10% एडिशनल इंसेंटिव जो है यहाँ पे अगर आप डीजीपी लाइट से ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये ऑफर चल रही है 26 जनवरी तक की, आपको 10% एडिशनल इंसेंटिव आपको मिलेगा अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं डीजीपी लाइट से। और इसमें बहुत सारी एडवांस फीचर्स भी डीजीपी लाइट में आपको दी गई है, आपको हैंड टू हैंड कमीशन मिल जाएंगी। इसमें लॉग इन करने के बाद जो है यहाँ पे बायोमेट्रिक देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ओटीपी के थ्रू से जो है इसमें लॉग इन करके दिन भर जो है आप काम कर पाएंगे, और बहुत सारे जो है एडवांस फीचर्स भी डीजीपी लाइट में आपको दी गई हैं। अगर आपकी आईडी जो है डीजीपी लाइट पर नहीं बनाई गई है तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से अपना कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना डीजीपी लाइट में यूजर अकाउंट बना के इसका इस्तेमाल कर अच्छी खासी कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो आई है बिहार बोर्ड के माध्यम से ही आई है कि अगर आप जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के तहत जो है आईटीआई जो है कर रहे हैं प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में जो है अध्ययन जो छात्र हैं वो ऑनलाइन जो है परीक्षा फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे जो फॉर्म भरने का जो है डेट जारी कर दी गई है। वो फॉर्म जो है ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जो है आप 5 जनवरी 2023 से 25 जनवरी 2023 तक जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं secondary.bihar.boardonline.com के माध्यम से। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको आ जाना है secondary.bihar.boardonline.com पे। उसके बाद आपको चूज करना है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हायर सेकेंडरी लेवल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश कम एग्जामिनेशन 2023, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट नेम, इंस्टीट्यूट नेम एंड कोड डालना है। उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। कोई भी क्यूरी क्वेश्चन है तो डायरेक्टली यहाँ पे टेलीफोन नंबर जारी की गई है, इस पे कॉल करके आप सारी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का मस्ट 6 न्यू अपडेट जो हमने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।